मुस्लिम समुदाय के दो सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरा ईद का त्योहार होता है। इस त्योहार को खासतौर पर त्याग, बलिदान और कुर्बानी के तौर पर मनाया जाता है। इस त्योहार पर ज्यादातर बकरों की कुर्बानी दी जाती है। उसी को देखते हुए कई बकरी पालन करने वाले लोग ईद के त्योहार के लिए बकरों का पालन करते हैं और उन्हें इस त्योहार पर अपने बकरों की अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद रहती है। कई प्रकार की नस्लों के बकरे ईद उल अजहा के मौके पर बाजार में बिकने के लिए आते हैं और लोग उन्हें खरीदकर ईद के मौके पर उन बकरों को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ बकरों में अलग अलग खासियत होती है तो उन बकरों की बोली लगाई जाती है और उसी हिसाब से उनका लेन देन होता है। ऐसा ही एक बकरा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पास चकचेनपुरा निवासी मोहम्मद भाई के पास मौजूद है। उनका कहना है कि इस बकरे को मैं पिछले 2 सालों से अधिक से पाल रहा हूं और इस बकरे पर एक तरफ अरबी भाषा में अल्लाह तो दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। यह अल्लाह का करम है कि हम पिछले कई सालों से बकरियों का पालन करते हुए आए हैं। उन्हीं में से एक बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से एक बकरी हुई थी और दूसरा यह बकरा हुआ था। जब यह हुआ था तक हमें मालूम नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे यह बड़ा होता गया अरबी भाषा में लिखा एक तरफ अल्लाह तो दूसरी तरफ मोहम्मद साफ साफ नजर आने लगा। इस बारे में जब कई जानकार लोगों से मालूमात की गई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि इस बकरे पर एक तरफ अरबी भाषा में अल्लाह तो दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। अब बकरा मालिक मोहम्मद भाई का कहना है कि मेरे पास कुर्बानी के लिए और भी बकरे हैं। ईद के मौके पर अगर इस बकरे की अच्छी कीमत मिल जाए तो हम इस बकरे को बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। फिलहाल अभी मोहम्मद भाई ईद के मौके पर इस बकरे को कुर्बानी के लिए बेचने को तैयार हैं। जो भी इस बकरे को मोहम्मद भाई से खरीदना चाहता है वो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर मोहम्मद भाई से बकरे का मोल भाव कर सकता है। इस बकरे के ऊपर अल्लाह का कलाम लिखा हुआ, अल्लाह लिखा हुआ, मोहम्मद लिखा हुआ। आपको कितने बकरा है? जो क्या नाम से मारवाड़ी नस्ल का बकरा है और इसको साधारण ही खाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मक्का खिलाते हैं इसको, जो खिलाते हैं हरा चारा खिलाते हैं। हाँ टोस्ट और कई ओलिमा लोग आए, मौलाना लोग आए, उन्होंने ये बताया कि भाई एक तरफ इसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है और दूसरी तरफ मोहम्मद है। आपको बात बताऊँ और इस बच्चा ये बकरा है जो काबिल है और इसको सारे मोहल्ले वाले भी तारीफ करते हैं। कई लोग आके देख के गए हैं इसको, उन्होंने भी तस्दीक किया है कि वास्तव में हकीकत में लिखा हुआ रहा है। ये क्या, जब इसकी माँ भी आई थी ना, छोटे से 2 बहन भाई हुए थे ये, इसका कलर उस टाइम पे तो काला था बिल्कुल ही। ये हमें खुद को पता नहीं था कि इसके ऊपर में क्या लिखा हुआ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में 6 महीने 12 महीने का हुआ तो इस पर मतलब ऑटोमेटिक इसका रंग जो है सफ़ेद होता चले गया। इसकी बचपन की फ़ोटो भी है मेरे पास, ये ऑटोमेटिक जब सफ़ेद होता चले गया तो स्पष्ट में इस पर सब कुछ ओपन में दिखा हुआ। तब आप जी लोग आते थे ना जमात के लिए, हम जमात से भी जुड़े हुए हैं हम खुद भी, तो मस्जिद में आते जाते थे तो आप साहब आए थे, उन्होंने खुद ने कहा कि बोले इस पर तो अल्लाह लिखा हुआ है, एक साइड में मोहम्मद है तो अच्छा कलमा लिखा हुआ है। अब इसको भाई हमारे पास दो है बकरा, कुर्बानी भी है और ये बिकाव के लिए भी है। तो इसको जो कोई लेने वाला होगा तो हम हाँ बेचेंगे इसको, यानी हाँ तो कोई अच्छे से दाम मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह देने की उसमें है। और जिस भाई को भी लेना है वो कॉन्टेक्ट नंबर इस पर देंगे हम, तो हमसे वार्तालाप कर ले, हमसे बातचीत करें, जो भी होगा वो हम बताएंगे इंशाल्लाह। तो इसको बेचेंगे और अच्छा है, नस्ल का है और अच्छी खिदमत, जैसे ही खाते हैं इनको जो भी है, मक्का है, कभी चने भी अपन सिके हुए चने भूंगड़े वगैरह ये सब आए, बड़ी बड़ी दूर से आए, देखने वाला कई व्यापारी यूपी साइड के भी आए थे, देख के जाते हैं लेकिन जयपुर से ये। पर वो क्या है, अभी तक हमने इसका मोल खुलासा नहीं किया, ईद पे ही बेचेंगे इसे, तो ये ईद के लिए ही हमने इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हमको अनमोल हीरा दिया है ये। अब इसको देखो कुर्बानी की तरफ से ही, कुर्बानी के हिसाब से बेचेंगे इसको। अब कुर्बानी तो हमारा है लेकिन ये क्या है, बेचने के हिसाब से।